मोदी को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी ऐसा है बाकी कोई नहीं। जन सैलाब उबड़ पड़ा है, उससे तो समझ लेना चाहिए किसकी सरकार आनी चाहिए। क्या लग रहा है, किसे देख रहे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के रूप में मैं कांग्रेस को देखना चाहता हूँ, और क्योंकि अभी तक जो अब हम लोग गोबर उठा के चाटे और गाय का मूत्र पिए, यही करना बाकी रह गया है, और कुछ नहीं विकास हो रहा है, यही विकास। मोदी जी तो कह रहे भैया सुनिए, मैंने इंटर किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई हूँ, ठीक, सीटेट से कोई वैकेंसी नहीं, ठीक है। और सुनिए, 2016 की जेई की वैकेंसी आई थी, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। एक इनका योजना है मोदी जी बाबा जी का कि पॉलिटेक्निक चलो योजना, आप जानती हैं नहीं पॉलिटेक्निक चलो योजना, पढ़ी होंगी तो जानती होंगी, पॉलिटेक्निक चलो योजना कॉलेज में पॉलिटेक्निक वाले को भर रहे हैं। 2016 वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, 2018 के भी तक लटकी हुई है, 2016 से 23 खत्म, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इतने जगह अपराध हो रहे हैं, कहां से कहां से आप बताइए सुरक्षित है? अब मोदी जी खुद कह रहे हैं हाथरस कहां आता है, लॉ एंड ऑर्डर है ना यूपी में। अच्छा कैसा लॉ एंड ऑर्डर है बताइए तो, इतना अत्याचार लोगों पे हो रहा है, कहां से लॉ एंड ऑर्डर? जिसके घर पे जा रहे बुलडोजर चला दे रहे, अरे मान लीजिए आप रिश्तेदार हैं, कोई थोड़ी ना है, उनके रिश्तेदार में बुलडोजर। अरे भैया आप है कहां, सबके खाते में 3-3 लाख रुपए आ रहा था, आप भी आया, वो तो जुमला धारा 15 लाख का, तो इसीलिए कहते हैं कि गंगा की कसम यमुना की कसम, सतलज में मुहाना बदलेगा, ये रवानी बदलेगी, ये ताना बाना बदलेगा, कभी तुम बदलो कभी हम बदले, फिर सारा जमाना बदलेगा, ठीक है मैडम जी? जी से इतना खपा क्यों है? नहीं मैं खपा नहीं हूँ, पूरी जनता खपा है, पूरी जनता खपा है, मैं क्यों खपा हूँ, पूरी जनता खपा है। अरे यार ये बताओ कि 300 किलोग्राम आरडीएक्स, ये छोटा मोटा सामान नहीं होता है, इतना दूर से एक बैरिकेडिंग पास हुआ, दूसरा बैरिकेडिंग क्रॉस हुआ, तीसरे पर जाकर के विस्फोट होता है, ये कहाँ का नियम है? अभी तक तुम पता नहीं लगा पाए, अभी तक तुम पता नहीं लगा पाए। 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया मोदी जी ने, कहाँ उठाए हैं? कह रहे हैं गरीब। आप हमको आकलन करके उसका स्टेटमेंट दीजिए, और मैं भी आपके हर एक कार्यों का स्टेटमेंट दूंगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। अब स्टेटमेंट बताइए। लेकिन मोदी जी पे भरोसा नहीं है? हमको नहीं है, आपको है? मोदी जी कह रहे हैं भैया मोदी की गारंटियों पे जनता को भरोसा है, जनता को भरोसा, तभी तो जनता कह रही है कि ये जो युवाओं के साथ गोदी मीडिया होंगी तो आपको भरोसा होगा। गोदी मीडिया को मोदी को भरोसा है क्योंकि उनकी न्यूज चलाते हैं, बाकी टीवी खोलिए मोदी योगी के अलावा कोई न्यूज नहीं है। पति का राष्ट्रपति क्यों होता है? देखिए सवाल एक सिंपल है, यूपी में हूँ, कहा जा रहा है यूपी में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित हैं, कहीं महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इतने जगह अपराध हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ से आप बताइए सुरक्षित हैं? मोदी जी खुद कह रहे हैं हाथरस कहाँ आता है, लॉ एंड ऑर्डर है ना यूपी में। अच्छा कैसा लॉ एंड ऑर्डर है बताइए तो, इतना अत्याचार लोगों पे हो रहा है, कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर? जिसके घर पे जा रहे बुलडोजर चला दे रहे, अरे मान लीजिए हम रिश्तेदार हैं, कोई थोड़ी ना है, उनके रिश्तेदार में बुलडोजर खड़े हुए हैं। अपनी महिला को तो उन्होंने देखा, दूसरी महिलाओं को क्यों देखेंगे भाई? अरे तो देश के लिए, देश के लिए घर परिवार छोड़ दिया। आप बताइए जिसकी मांग भरी, हट गए घर परिवार नहीं छोड़ दिया, आप पहले जिम्मेदारी छोड़ दिया, पहले रोज वचन होते हैं, शादी होती है, 7 वचन होते हैं, एक भी वचन निभाया मोदी जी ने? पत्नी को दिया 7 वचन, और 7 साल अपना नोट नहीं चला पाए, वो देश चलाने की बात करते हैं, 70 साल का हिसाब मांगते हैं, 7 साल का हिसाब नहीं कह रहे कांग्रेस ने 60-70 साल में भैया क्या है, क्या है क्यों जो हमने 10 साल बताइए, जो कांग्रेस ने बनाया है वही ये बेच के खा रहे हैं, अपनी दाल रोटी चला रहे हैं। क्या नहीं किया, किसने बनाया आईटी, किसने बनाई आईआईटी, किसने बनाई? आप बताओ जितने भी विश्वविद्यालय बने हैं किसने बनाए? पहले ये बताइए, अगर कार्यालय बना रहे हैं भाजपा का, और कुछ नहीं बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, विश्वविद्यालय नहीं बनवा रहे, कुछ नहीं बनवा, विकास की राह पर एक विकास बताइए, जाल बिछा, विकास नहीं किया है, सवा सबके नाश किया है, विकास नहीं किया है, पूरे देश को एकदम गर्क में ले गए हैं, विकास हो रहा है? लेकिन कह तो रहे, देखिए महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित, कह रहे यूपी में लॉ एंड ऑर्डर है, 5 किलो अनाज देंगे और अगले 5 साल रहेंगे तो कटोरा हम लोग के हाथ में आ जाएगा। अरे 5 किलो अनाज तो दे रहे हैं ना, 5 साल में यही होगा, अगर ये 5 साल फिर रहेंगे 5 किलो हम पहुँचा दे, क्या किसान जो छुट्टा चल रहे हैं ये बंद कर दे, 5 किलो हम पहुँचा देवे संविधान में, जब लाल किला पहुँचा के आओ मोदी जी की चिंता न करें। मतलब मोदी जी को अभी एक न्यूज हमने देखा कि पुलिस वाले तक आंसू बहा रहे हैं, किसान ने कहा कि मैं 1 एकड़ जमीन तुमको दूंगा, तुम ये पुलिस की नौकरी छोड़ दो। क्या पीछे देश में ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, एक दूसरे के पीछे धर्म मिटे, मगर ऐसी नहीं होनी चाहिए जो फूट पैदा करे। हमको आप ये बता दीजिए, यूपी सरकार या केंद्र सरकार कोई वैकेंसी हो 3 साल के अंदर की हो, क्लियर बताइए, यूपी यूपी एसएससी जेई नहीं है,
ये कह तो रहे हैं जिनमें योग्यता है वो नौकरी कर रहे हैं। योग्यता की बात बता रहे हैं, आप कितना पढ़िए हम कितना पढ़े वही पढ़िया जाएगा। हाँ बताइए, बात खत्म करिए। कहता रहे सुनिए सुनिए, मैंने इंटर किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, बीएड किया है, ठीक है, सीटेट क्वालिफाई हूँ, ठीक, सीटेट से कोई वैकेंसी नहीं, ठीक है। और सुनिए, 2016 की जेई की वैकेंसी आई थी, अभी तक क्लियर नहीं हुई है। एक इनका योजना है मोदी जी बाबा जी का कि पॉलिटेक्निक चलो योजना, आप जानती हैं नहीं पॉलिटेक्निक चलो योजना, पढ़ी होंगी तो जानती होंगी, पॉलिटेक्निक चलो योजना कॉलेज में पॉलिटेक्निक वाले भर रहे हैं। 2016 वैकेंसी क्लियर नहीं हुई, 2018 के भी तरह लटकी हुई है, 2016 से 2023 खत्म। तो फिर मौका दे दे, एक बार मौका दे दे। कहाँ दे दे, 24 मांग रहे हैं, भीख मांगना है हमको, मौका दे के भीख मांगना है, हक मांग रहे हैं। ये बताइए किस बात का मौका दिया जाए, किस चीज का मौका दिया जाए, आप कटोरा लेके वहाँ बैठा जाए, इस चीज का मौका। मंदिर से भी तो लाख काफी लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिल रहा है, रोजगार मिला, क्या रोजगार मिला है, हमारे भाजपा की सरकार में क्या रोजगार मिला बताइए। तो यही फूल बेच रहे हैं वहाँ पर, हम लोग ने जो पढ़ाई करी वो अब हम लोग गोबर उठा के चाटे और गाय का मूत्र पिए, यही करना बाकी रह गया है और कुछ नहीं, विकास हो रहा है, यही विकास। मोदी जी तो कह रहे भैया महिलाएं हमसे बहुत खुश है, हमसे बहुत खुश है, महिला नहीं है हम लोग, महिलाओं में नहीं आते क्या, अगर खुश होते तो आज हम लोग यहाँ ना होते, आज हम लोग भाजपा में होते। अच्छा भाजपा से मोदी जी कहते हो भैया हमने महिलाओं के लिए कितना कुछ किया, सिलेंडर दे दिया, सिलेंडर दे दिया, हाथी हाथी हर कोई दे देता है लेकिन हाथी की खुराक नहीं देता, उन्होंने क्या बड़ी भाटा है, 1000 रुपए मेरे मेरे घर में खुद लोगों ने बताया आके कि 1000 रुपए लेके वो सिलेंडर दे रहे हैं, तो क्या उनसे फ्री है, कौन सा फ्री है, लेकिन मोदी जी ने धुएं से तो निजात दिला दी, कौन सा धुआं, अरे इतना आधा धुआं धुआं फैल रहा है हर जगह, मणिपुर धुआं हो गया, अच्छा मणिपुर धुआं कर दिया, उस टाइम तो सीमा हैदर का न्यूज चलेगा। बताइए जो कह रहे हैं राम मंदिर पे, ठीक है, कोर्ट ने आदेश दिया, जनता ने पैसा दिया, हिंदुओं ने, हर एक हिंदू ने पैसा दिया, मैं भी 10 रुपए 5 रुपए जो हुआ हम दिए, आपने भी दिया, ठीक है, हमारा धर्म गुरु शंकराचार्य हैं, प्रधान सबसे, जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री, वैसे हमारे धर्मों का प्रधानमंत्री शंकराचार्य, शंकराचार्य खत्म हो गए थे कि उनसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं करा सकते थे, ये बताइए प्राण प्रतिष्ठा, जनता का पैसा जमीन आवंटित हुआ, उसके बाद कोर्ट ने दिया आदेश, जनता का पैसा, तो हमारे शंकराचार्य कहाँ गए थे, उनसे आप उद्घाटन करवाते, प्राण प्रतिष्ठा कराते, उनसे ज्यादा स्वच्छ कोई है, क्या लग रहा है, 24 से परिवर्तन की लहर है, 24 से परिवर्तन एकदम बिल्कुल है, 100% ये जान लीजिए कि जो जो अपने लड़कों से गाली सुनना चाहता है, झूठ कितना दिन चलेगा, छात्र रोड पे आ गए, किसान रोड पे आ गए, महिलाएं आज इतनी दुखी है, तो परिवर्तन तो अब होना ही होगा, अब परिवर्तन होगा, तो मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार, 400 पार लहसुन हो जाएगा, तो ईवीएम बंद करा के चुनाव कराए तब हम चैलेंज करते हैं कि मोदी कितना भी कुछ कर ले, गोदी मीडिया को भी समझ में आ जाएगी। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ का चुनाव हुआ है, उसमें मात्र कांग्रेस को 34% मिला है, बीजेपी को 36%, मात्र 2% से हारा हुआ, ये कहाँ गई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कहाँ गई, मतलब 0.5% जनता चाहती है कांग्रेस को, आधा चाहती है बीजेपी को, मतलब वहाँ पे हरवाया गया है, हारी नहीं है, हरवाया गया है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं भैया कांग्रेस सारे सारे सुनिए एक सेकंड सारे चैनल वाले मध्य प्रदेश में क्या बोल रहे थे, कांग्रेस की सरकार आज जीता, कौन कैसे जीता, कैसे जीता बताइए। मोदी जी तो ये कह रहे हैं भैया कांग्रेस को गली गली से साफ कर दिया, सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं सुन रहा, अच्छा गली गली साफ कर दिया ना, जा रही है आज गली गली में लोग जो पढ़े लिखे हैं मेरे क्षेत्र में झाड़ू लगा रहे हैं, गली साफ कर रहे हैं, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पढ़े लिखे जितने युवा है अब वो झाड़ू मारेंगे, गली गली वाकई में साफ हो जाएगी, एक दिन भाजपा ऐसे ही साफ हो जाएगी। अच्छा तो क्या लग रहा है 24 किसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल कांग्रेस की बनेगी, प्रधानमंत्री के चेहरे पर इंडिया इंडिया राहुल जी को देखना चाहते, राहुल गांधी को, राहुल गांधी आसान, राहुल गांधी आसान, बाकी कोई नहीं, जन सैलाब उबड़ पड़ा है उससे तो समझ लेना चाहिए किसकी सरकार आनी चाहिए। क्या लग रहा है किसे देख रहे प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के रूप में मैं कांग्रेस को देखना चाहता हूँ, और क्योंकि अभी तक जो वो तो ये केवल और केवल तानाशाही रवैया है इस सरकार का, और जैसे हिंदू मुस्लिम विवाद कराना बस। तो देखा आपने यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल की यूपी में लगातार चली उसको लेकर, वही साथ ही साथ 24 में क्या लग रहा है, क्या जनता का मुख रुख जो है वो बदलेगा और क्या परिवर्तन की राह पर देश निकल पड़ा है। लगातार ऐसी वीडियो देखते रहे, न्यूज़ प्लेटफॉर्म चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।